नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और हमारे साथ हैं मथुरा के जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री सर्वज्ञ राम मिश्र। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें से अभी अभी आप निकले हैं। हम समझते हैं कि चुनावों की ही तैयारियां हैं। हाँ, चुनाव की तैयारियां तो बिल्कुल अंतिम चरण में हैं हम लोग, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप जानते हैं कि मथुरा का चुनाव जो है दूसरे चरण में है। 19 से इसका नामांकन होगा और जो वीसी थी निर्वाचन आयोग की, उसमें इन्होंने आईटी ऐप के बारे में, नामांकन पत्रों को, एफिडेविट के बारे में, मतगणना के बारे में, इन सब के संबंध में सारे आरओ से, उन्होंने लगभग डीओ से, देश भर के लोगों से चर्चा की है कि कैसे उसका उपयोग किया जाएगा। एक तरीके से का प्रशिक्षण टाइप का था, तो सबको उन्होंने बताई चीज़ों को। जहाँ तक जनपद की बात है, जनपद में हम लोग चुनाव की घोषणा के बाद आपने देखा कि आचार संहिता का अनुपालन पूरे त्वरित गति से कराया गया। हज़ारों पोस्टर बैनर अब तक उतारे जा चुके हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम लोगों ने बैठकें भी कर ली, उनको आदर्श आचार संहिता और क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्यय के संबंध में उनको क्या करना है, कितनी धनराशि खर्च करेंगे, कैसे, वो सारे निर्देश जो आयोग के हैं उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुछ एक निर्देश और कुछ एक प्रावधान ऐसे जो आपको याद हो? नहीं, वो देखिए उसमें बहुत स्पष्ट है, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सबको करना अनिवार्य है और उसके साथ विशेष रूप से व्यय का। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि अब की बार जो प्रत्याशी एफिडेविट देगा उसका एक संशोधित प्रारूप आया है। वो हम लोग तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग हैं उसकी भी प्रति उनको उपलब्ध करा दिया है। यदि कोई जानकारी चाहता है तो उसको वेबसाइट से डाउनलोड करके भी जानकारी कर ले, क्योंकि पिछले बार की बनस्पत इस बार उस पर कुछ संशोधन हुए हैं। अगर कोई कैंडिडेट, धन्यवाद आपका अभी तक हमारे साथ रहे, मथुरा के जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री सर्वज्ञ राम मिश्र, उन्होंने बताया कि चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राजनीतिक दलों के साथ भी बैठकों का दौर जारी है। उन्हें जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है और कुछ नए दिशा निर्देश भी आए हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।